सब्सक्राइब कीजिए जी किसान चैनल को, खेती किसानी से जुड़ी जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं बायो स्टिमुलेट यानी कि जीव रस के बारे में। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्या है जीव रस, क्या है टेक्निकल्स, कौन कौन सी फसलों में दे सकते हैं, जीव रस को हम फसलों पर देते हैं तो क्या होगा फायदा, क्या है डोज, क्या है प्राइस और भी कुछ खास बातें, इन सब पर हम आज बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको जीव रस के बारे में सारा नॉलेज हो जाएगा, यानी कि आपको और वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा निचोड़ इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। जीव रस मल्टीप्लेक्स ग्रुप के कर्नाटका एग्रो केमिकल्स कंपनी का बायो स्मुलेट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट आता है, जिसको मार्केट में किसान भाई जीव रस के नाम से जानते हैं। जीव रस का उपयोग फसलों में फोलियर स्प्रे, सीड ट्रीटमेंट, ड्रेचिंग या ब्रॉडकास्ट के लिए किसान भाई अपनी फसलों में उपयोग करते हैं। बात करते हैं जीव रस के अंदर टेक्निकल या कंटेंट की, तो ह्यूमिक एसिड एंड फुलविक एसिड एंड देयर इन डेरिवेटिव यानी कि ह्यूमिक एसिड आता है 12% होता है, जो विघटित कार्बनिक पदार्थों से निकाला जाता है। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तांबा, जस्ता और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। जीव रस श्वसन को उत्तेजित करके अंकुरण को तेज करता है, जिससे अंकुरण में बेहतर जड़ और अंकुरण में वृद्धि होती है। फसलों की बात करें तो जितने भी प्रकार की फसलें हैं उन सभी में आप जीव रस का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कपास, जीरा, सरसों, इसबगोल, पपीता, सेब, अंगूर, आम, चना, मूंग, गेहूं, लगभग जितने भी प्रकार की फसलें हैं, आल क्रॉप यानी कि सभी प्रकार की फसलों में आप जीव रस का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं जीव रस के फायदों के, यानी कि हम इसको फसलों में उपयोग करते हैं तो हमारी फसलों को क्या होगा फायदा। तो दोस्तों, मिट्टी में जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, पौधे में सूखे के झटके यानी कि सूखा प्रतिरोधकता को बढ़ाता है, मिट्टी में यूरिया और म्यूरेट और पोटाश के सीधे आवेदन के कारण होने वाले प्रभावों को बेअसर करता है, जेलेटिंग क्रिया द्वारा पौधे के पोषक तत्वों की लीचिंग को नियंत्रण करता है, तथा अम्लीय व शांत मिट्टी में उगने वाले पौधों में मिट्टी और फास्फोरस के ऊपर उठने की समस्या होती है। जीव रस जेलेटिंग क्रिया द्वारा इस समस्या का समाधान किया जाता है। जीव रस पौधों में प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट करता है, हरित लवक की कमी को दूर करता है, फल फूलों में वृद्धि करता है, फल फूल झड़ने से रोकता है, टेढ़े मेढ़े फलों में सुधार करता है, हरित लवक की कमी को दूर करता है, प्रोटीन की मात्रा को जनरेट करता है, उत्पादन में वृद्धि करता है, रंग आकार और चमक में सुधार करता है, फलों के आकार को बढ़ाता है, फूलों में वृद्धि करता है, प्लांट में गति जनरेट करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है, उत्पादन में वृद्धि करता है, हरित लवक में वृद्धि करता है, प्लांट का विकास करता है, अधिक ठंड या पाला सहन करने की क्षमता को बढ़ाता है, रोगों के प्रति सहनशील यानी कि रोगों से लड़ने की ताकत को भी बढ़ाता है। किसान भाइयों, खास बात यह है कि आप जीव रस से सीड ट्रीटमेंट यानी कि बीज उपचार भी कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर जीव रस से बीज उपचार करते हैं तो क्या होगा फायदा। तो जीव रस श्वसन की क्रिया को उत्तेजित करके अंकुरण को तेज करता है,
जिससे पौधों में बेहतर जड़ और अंकुरण में वृद्धि होती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं डोज की। तो यदि आप जमीन में देना चाहते हैं तो 1 लीटर जीव रस को प्रति एकड़ की दर से अन्य उर्वरकों के साथ मिलाकर ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। और बात करते हैं 1 लीटर जीव रस को 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ क्षेत्र की जुताई वाली मिट्टी पर छिड़काव किया जा सकता है। बात करते हैं फोलियर स्प्रे के रूप में, बात करें तो 1 लीटर जीव रस को आप 400 लीटर पानी में घोलकर पौधे या फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं और 3 से 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि 1 लीटर पानी में 3 से 4 ml ले सकते हैं। और दोस्तों, बात करते हैं 15 लीटर पंप की, यानी कि 15 लीटर या 20 लीटर पानी में आप 35 से 40 ml लेकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं सीड ट्रीटमेंट यानी बीज उपचार की। तो 10 ml जीव रस को 1 लीटर पानी में घोलें और इस तैयार घोल में बीज को बुआई से पहले 1 घंटे के लिए भिगो दें। फिर आप इसको ठंडी छाया में सूखा करके बुआई कर सकते हैं। बात करें यूरिया कोटिंग के रूप में भी, बात करें तो 100 किलो यूरिया में 500 ml जीव रस मिलाएं और 2 घंटे के बाद जब यूरिया के दाने भूरे रंग के हो जाएं तो इसे खेत में ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। जीव रस की प्राइस की बात करें तो 1 लीटर के पैक पर 1,000 से 900 रुपए MRP होती है, जो लगभग 700 से 800 रुपए में मार्केट में मिल जाता है। अलग अलग स्टेट में इसकी प्राइस कम ज़्यादा हो सकती है। आपको आपके मार्केट में कितने में मिलता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं जीव रस के पैकिंग साइज की, यानी कि 500 ml और 1000 ml, यानी कि 0.5 लीटर और 1 लीटर की पैकिंग साइज में मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है। किसान भाइयों, खास बात ये है कि जीव रस बायो स्मुलेट यानी कि जैव कार्बनिक होता है, जो पौधे की पोषण क्षमता में वृद्धि करता है। यह जैविक तनाव पर नियंत्रण करता है, पौधे की रक्षा तंत्र को मजबूत करने और फसल की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से इसका उपयोग किया जाता है। बायो प्रोडक्ट को आमतौर पर ह्यूमिक एसिड, पोलविक एसिड, समुद्री शैवाल, वनस्पतिक अरक, प्रोटीन, हाइड्रोसिलेटेड जैन पॉलीमर, लाभकारी खनिज और लाभकारी सूक्ष्म जीवों को शामिल करके बनाया जाता है। दोस्तों, एक बात ये है कि रासायनिक नहीं है, यानी कि जीव रस रासायनिक प्रोडक्ट नहीं है। ये एक कार्बनिक या बायो प्रोडक्ट होने के कारण हमारे वातावरण को, पर्यावरण को या जमीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। किसान भाइयों, मेरा उद्देश्य किसी कंपनी का प्रचार वे किसी प्रोडक्ट को बढ़ावा देना नहीं है, केवल और केवल आपको जानकारी देना है। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं जीव रस का ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल व सुझाव नहीं रहने चाहिए, क्योंकि मैंने लगभग सभी प्रकार की जानकारी आपको बता दी है। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई सवाल व सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको आपके सवाल का जवाब वहां पर ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व जी किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों और किसान भाइयों को वीडियो भेजने में मदद ज़रूर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और नई जानकारी के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।